एवरीवन मेरा नाम मोनिका है इस वीडियो में हम ये रीडिंग करने वाले हैं जो रीडिंग ट्वेंटी फोर्थ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को इंडिया में जो आई थी ये रीडिंग मेरे नेबरिंग कंट्री या वर्ल्ड के किसी कॉर्नर पे भी रिपीट हो सकती है तो इस रीडिंग का जो नाम था जो साइंटिफिक नॉलेज साइंस एंड नॉलेज करके रीडिंग पैसेज का नाम था तो ये रीडिंग पैसेज देखो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड है तो इस क्वेश्चन के लिए सॉरी uh, इस रीडिंग पैसेज के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन शॉर्ट आंसर टाइप फिर लिस्ट ऑफ फ्रेजेस विद दीज ऑप्शन ठीक है ये ऑप्शन है इनके साथ हमें इनमें से कुछ सेलेक्ट करना है और लास्ट का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है तो ये जो रीडिंग पैसेज है इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चन की सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है वो अगर आपने जान ली समझ ली तो अच्छी बात है तब आपको समझ में आ जाएगा जैसे ये फॉल्स नॉट गिवन है अभी मैं पूरा से दिखा अब ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है इसको करने का क्या स्ट्रैटेजी रहती है इसको सॉल्व कैसे करना है कि जल्दी से जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाए एक तो ये समझो कि ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन जो है ना इन क्वेश्चन की लोकेशन क्योंकि बेसिकली हमें रीडिंग पैसेज सॉल्व क्या करना है यहाँ से पढ़ना है इनके कीवर्ड्स उठाने हैं और ढूंढना है लेकिन अंधाधुन ब्लाइंडली हम कुछ भी ढूंढने नहीं जा सकते ना इतने सारे वर्ड्स लिखे होते इतनी बड़ी रीडिंग पैसेज है ये देखो आप ठीक है पूरा और ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ तक है तो हम ये जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक के बाद एक मिलते जाएंगे लॉ इन ऑर्डर में मिलेंगे बट एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होते हैं तो वो चीज़ भी ध्यान में रख के चलिए और वही चीज़ हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है जिस क्वेश्चन पे आपका टाइम लग रहा है आपको नहीं मिल रहा है प्लीज उसको छोड़ के आगे चलो कई बार क्या होता है छोड़ देते हो और आप सपोज ये क्वेश्चन कर रहे हो या ये कर रहे हो तो आपको ऊपर की जो वर्ड आपने कुछ जो क्वेश्चन छोड़ा था कुछ की वर्ड नहीं मिल रहे थे तो वो मिलने से फिर आप उसको फटाफट -फड़ वापस आइए और ढूंढिए हो जाता है सब अब चलते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही डिस्कस करेंगे इसको कैसे करना है देखो अभी शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो है मैंने आपको बता दिया कि ये ऑर्डर में मिलेंगे ठीक है और जिस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए जैसे सपोज ये फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन हमें ये चार मिल गए फिफ्थ क्वेश्चन हमें मिल ही नहीं रहा है दो पैराग्राफ पढ़ लिए भाई उसको नॉट गिवन लगा के आगे चलो ठीक है यही एक रूल होना चाहिए रीडिंग में और रीडिंग को कभी स्टाइल में नहीं पढ़ना है मतलब जब आयर्स रीडिंग को सॉल्व करना है मैं तो वीडियो बना रही हूँ जब जैसे मैं पढ़ती हूँ ना जल्दी 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 ऐसे ही आपको मन मन में फटाफट फटाफट पढ़ना है अभी शुरू करते हैं द फिल्म इंडस्ट्री डज नॉट मेक फिल्म अबाउट साइंस अब मैंने पढ़ते पढ़ते इसको लगा लिया अंडरलाइन मतलब सर्कल कर लिया क्यों ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स डालने थोड़ा मुश्किल है मतलब राइटर नहीं सोचेगा इसके बारे में हो भी सकता है फिल्म का मूवी बना दे तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो की वर्ड्स है जो हमें लोकेशन पे भी लेके जाएंगे उसके बाद हम मैच करेंगे जब देखो हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया आप दो बार पढ़ो इसका मीनिंग समझो और फिर इसका कीवर्ड्स निकालो जो कीवर्ड हमें लोकेशन पे ले जाएंगे पैराग्राफ में आंसर तो वहीं जाके मिलेगा ना फिर हम क्या मैच करने वाले हैं जब मेरे को ये फिल्म इन... चलो पहले मैं आपको लोकेशन ढूंढ के बताती हूँ अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करने वाली ठीक है मैंने आपको पूरा दिखा दिया अब फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या ढूंढना है जो मैंने आपको बताया था क्या ढूंढना है भाई बताओ फिल्म ढूंढनी है ना हाँ तो थोड़ा मैं इसको छोटा करूँ आपको पूरा पैराग्राफ दिखाना है ठीक है तो ये अभी पूरा पैराग्राफ आप दिख रहा है आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहोगे मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ आप भी देखना तो मुझे फिल्म ढूंढना है ठीक है इस डीपली एम्बेडिड इन आर कल्चर ये कोई नाम दिए हैं ये अब इंग्लिश की भी बनी थी तो उसके लिए चिंता नहीं करना पैराडाइज लॉज द सरपेंट एड्रेस इज द ट्री ये पता नहीं क्या दिया हुआ है बुक्स के नाम है या क्या लिटरेचर वर्ड भी है हैज बिन काइंड टू साइंटिस्ट एंड इज़ फिल्ड विद द इमेज ऑफ़ दैम मेडलिंग विद द नेचर डिजास्ट्रस रिजल्ट जस्ट कंसिडर शेलीज फ्रेंकटीन गोथीज फोस्ट कितने सारे नाम दिए हैं इन्होंने वन विल सर्च विद वेरी लिटिल सक्सेस फॉर ए नावल नॉवल में अच्छा काम करने के लिए इन विथ साइंटिस्ट कम आउट वेल द परसिस्टेंट इमेज इज दैट साइंटिस्ट एज ए सोल लेस ग्रुप मतलब जो जिनका कोई सोल नहीं होता वो ऐसा ग्रुप है जिनको एथिकल इश्यूज से कोई लेना देना नहीं होता एंड वेयर देर इज ए फिल्म सिंपैथेटिक टू सिंपैथिक टू साइंस ऐसी कहाँ पे कौन सी फिल्म है कहाँ पे है वो फिल्म जो साइंस को सिंपैथी करती हो ठीक है लेकिन uh, हमने ये तो ढूंढ लिया अब हमें आंसर कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है ये फॉल्स है नॉट गिवन है ऐसे पता चलेगा अब हमें सब कुछ मिल गया अब हमें ये लोकेश फिल्म भी मिल गया अब अगले पैरा में मुझे नहीं लगता कोई फिल्म के बारे में बात हो रही है नहीं है फर्स्ट में ही होगा आंसर ठीक है अगर तो ये फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बन रही हैं साइंस के बारे फिल्में नहीं बन रही हैं साइंस है के बारे में तो ट्रू होगा क्योंकि डज नॉट लिखा है ना अगर तो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बन रही हैं साइंस के बारे में ठीक है तो फॉल्स होगा और अगर कहीं पे लिखा ही नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री क्या क्या फिल्में कैसी कैसी फिल्में बना रही है तो नॉट गिवन होगा ठीक है तो लेकिन यहाँ पे तो वो मुझे अच्छा समझ में आ गई एंड वेयर देर इज़ अ फिल्म सिंपेथी टू सिंपैथेटिक टू साइंस कोई ऐसी फिल्म है जो साइंस के लिए सिंपैथेटिक सिंपैथी करती हो मतलब कि फ़िल्में तो बन रही हैं फिल्में तो साइंस के ऊपर बन रही हैं आई थिंक ये सारी साइंस वाली साइंस साइंसफाई जो होती है ना मूवीज वो उन्ही का नाम है ये तो ये हम क्या लिख देंगे डज नॉट मेक फिल्म साइंस फिल्म तो बना रहे हैं भाई साइंस के बारे में तभी तो वो बोल रहा है कि उनको ऐसा ऐसा इमेज उनकी ऐसी इमेज बिठा दिए कि वो सोललेस ग्रुप है जो गलत काम कर रहे हैं तो ये अपना हुआ फॉल्स ठीक है साइंटिस्ट डू नॉट अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट डो नॉट वर्क इन यूनिसन वो मिलकर नहीं काम करते वेन डिसाइडिंग वट नीड्स टू बी रिसर्च ठीक है तो जब डिसाइड करने की बात आती है तो वो मिलकर काम नहीं करते हैं चलो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट आप सेकेंड पैराग्राफ है पार्ट ऑफ मेरे साथ साथ करो सॉल्व आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा मैं सब कुछ दिखा रही हूँ आपको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज द कन्फ्लेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन वन हैंड एंड अच्छा इनमें डिस्टिंक्शन तो है ये तो उसने बोला है बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द वन हैंड वो एक तरफ हो गया द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज टू मेकिंग समथिंग देखो वैन डिसाइडिंग वट नीड्स टू बी रिसर्च मतलब कि जो रिसर्च करने के लिए हैं और यूजिंग इट इन सम प्रैक्टिकल वे इज़ फंडामेंटल वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये कहाँ लिखा है साइंटिस्ट डू नॉट वर्क इन यूनिसन नहीं uh, तो ये यूनिसन वाली बात नहीं है तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा ठीक है एफ डाल देंगे या पूरा हम फॉल्स लिख देंगे ठीक है ये भी फॉल्स को ध्यान से देखिए आप अभी डू नॉट वर्क इन यूनिसन ये तो बोला है कि ऑन वन हैंड इसका मतलब जो एंड के बाद जो स्टार्ट किया वो ऑन द अदर हैंड है यहाँ डिस्टिंगशन तो है बट ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन ऑफ डैट नॉलेज टू मेकिंग समथिंग और यूजिंग इट इन प्रैक्टिकल वे इज फंडामेंटल तो लेकिन यहाँ अपोजिट लिखा है इम्पॉर्टेंट है जब ऑन द अदर वन हैंड हो गया तो उसके बाद जो काम शुरू कर रहा है बात बोल रहा है वो ऑन द अदर हैंड हुई मतलब अपोजिट बात हुई ठीक है अब पेरेंट्स नेक्स्ट थर्ड है पेरेंट्स वॉन्ट टू हैव क्लोन्ड चिल्ड्रन एक क्लोन्ड वर्ड को ढूंढते हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन को भी ढूंढ लेते हैं अगर मिलते हैं तो बिकॉज पेरेंट्स को वो कुछ और भी नाम दे सकते हैं चिल्ड्रन को भी कुछ और नाम दे सकते हैं सिनोनिम डाल सकते हैं तो प्रोड्यूस आइडियाज हाउ द वर्ल्ड वर्क वेयर द आइडियाज इन टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन यूजेबल ऑब्जेक्ट Mm, uh, technology is much older uh, than anything science as unaided by any science technology gave rise to craft of dekho, of early like agriculture metal working and all science uh, deep paragraph lete. by contrast reliable scientific knowledge is value value free no moral value science merely tells us how the world is uh, that we are not at the center of the universe is neither good or bad possibility okay तो ये दो पैराग्राफ तो पढ़े भाई मेरे को क्लोनिंग कहीं नहीं मिल रहा है एक और पढ़ लेते हैं ठीक है द सोशल ऑब्लिगेशन डैट साइंटिस्ट हैव एन डिस्टिंग फ्राम दोज रिस्पांसिबिलिटीज दे शेयर विद ऑल सिटीजन्स कम फ्राम हैविंग एक्सेस टू स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ हाउ वर्ल्ड नॉट ईजीली एक्सेसिबल टू अदर देयर ऑब्लिगेशन इज़ टू बोथ मेक पब्लिक एनी सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ देयर वर्क ओके तो भाई तो यहाँ देखो अभी आप ये नहीं मिला तो मैं लगा दूंगी इसको नॉट गिवन तीन पैराग्राफ पढ़ लिया हमें ये नहीं मिल रहा है ना ये मिल रहे हैं ठीक है अब चलते हैं फोर्थ टेक्नोलॉजी वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर द डिवेलपमेंट ऑफ साइंस अब टेक्नो मैनी पीपल टेक्नोलॉजी अब टेक्नोलॉजी देखो ऊपर था ये टेक्नोलॉजी के बारे में ऊपर बात हो रही थी ना इसका मतलब हमें नहीं मिला हमें सेकेंड यहाँ मिला था ना तो हमें तीन पढ़ लिए नहीं मिला तो मतलब अब फोर्थ की तो यहाँ से ही ढूंढेंगे ना टेक्नोलॉजी वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर द डिवेलपमेंट अब ये देखो वॉज इम्पॉर्टेंट पास टेंस अब ये बोल रहा है टेक्नोलॉजी इज मच मोर मच ओल्डर देन एनी थिंग एल्स कुड रिगार्ड एज साइंस देखो इसका मतलब वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस तो यहाँ क्या लगा देंगे हम ट्रू देख लो आप ध्यान से लोकेशन देखो आप लोकेशन देखो और इसको फिर से पढ़ो इज मच ओल्डर देन एनीथिंग कुड रिगार्ड एज साइंस वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर द डिवलपमेंट ऑफ साइंस ठीक है सॉरी uh, मैंने इसको लगाया ये सॉरी ये तो भी ढूंढना है ये फिफ्थ मैनी पीपल कंसिडर क्लोनिंग टू बी अनडिज़ायरेबल क्लोनिंग फिर से आ गया ओके okay. अभी क्लोनिंग ये पैराग्राफ यहाँ तक हो गया अब एफ पैराग्राफ में क्लोनिंग वर्ड को ढूंढ लेते हैं हो सकता है यहाँ हो एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिस्ट ग्रुप बिहेवियर बिहेवी इन डेंजरस मैनर ओके क्लासिक पैरेडिगम कुछ नाम है ये साइंटिफिक एक्जम्पन इज क्रूशियल मोस्ट डिज़ायरेबल अन डिज़ायरेबल अच्छा डिजायरेबल कुछ है डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल uh, लिखा है नॉट ओनली वॉज टैलेंट प्रोवाइडेड इन सो मैनी इंसैनिटी मैं सिर्फ वही वर्ड ढूंढ रही हूँ

टेलिंग अस ऑफ द होरर्स ऑफ क्लोनिंग मैनी अदर्स येस अब देखो ये मैनी अदर्स मीन्स मैनी पीपल नेशनल लीडर्स इंक्लूडेड हैव ज्वाइंट इन ए कॉरर्स ऑफ होरर्स मीन्स इन्होंने भी जो ये कह रहे हैं इनके साथ ज्वाइन कर लिया है कि क्लोनिंग के होरर्स होते हैं कंसिडर क्लोनिंग टू बी अनडिजायरेबल तो ये ट्रू हो गया ठीक है अब ये सिक्स नंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी सीन एज ए सेपरेट एंटिटी अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे ऊपर वाले पैराग्राफ में थी बट ठीक है एक्सेप्शनल होते बट अपने पास ये दो पैराग्राफ और बच्चे हम पढ़ सकते हैं इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेपरेट एंटिटी अगर है कि नहीं क्लोन एज ए मेडिकल इट इज़ नॉट बायो मॉरलिस्ट क्लेम साइंटिफिक इन्वेंशन वॉज अपोजिट इन केस देर ऑब्सेशन विद लाइफ वर्ड यहाँ है आर रेज एंड नर्चर्ड द एल्स इन आर सोसाइटी हैव नथिंग टू डू विद रिप्रोडक्शन नहीं वो सब बात नहीं हो रही जो पेरेंट्स के बारे में थी नहीं ये क्या बात कर रहे हैं एड्स के बारे में अ, अब ये यहाँ पे जो है ना ये देखो मुझे लगता है ये ही इस पैराग्राफ में ही बात हो रही थी द डिस्टिंक्शन ये देखो मस्ट बी सीन एज ए सेपरेट एंटिटी तो यहाँ लिखा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग तो ये हम इसको देख सकते हैं देखो कैसे क्या मतलब अलग कैसे है मस्ट बी सीन एज ए सेपरेट एंटिटी देखो एक तो यहाँ है डिस्टिंक्शन बिट्वीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द वन हैंड साइंस प्रोड्यूसिस आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क वेयर एस मतलब ये अलग चीज़ है वेर एज द आइडियाज इन टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन यूजेबल ऑब्जेक्ट तो ये बता रहा है कि साइंस अलग बता रही है वो तो मस्ट बी सीन एज ए सेपरेट एंटिटी तो मैं इसको भी ट्रू लगा दूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब एक साथ करेंगे अभी